ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ अक्षु, तुझे काम पर भी तो जाना है ना, तू रहने देना, स्टाफ है ना। तो फिर आप भी काम नहीं करेंगे? स्टाफ तो है ना, अगर आप काम करेंगे तो मैं भी करूंगी। ठीक है। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाओ किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बड़े। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप काम करिए। नहीं चाहिए। पहले तो तुम इतनी एक्सरसाइज करना बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने हॉट हो, अगर ज्यादा हो गए तो लड़कियां नजर लगाएंगी। आई डोंट केयर, तुम भी आदत डालो। क्योंकि मैं जितना हॉट हूं ना, उतना ही कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा तो उड़ भी सकता हूँ। After all, I am the dock man. आए बड़े डॉक मैन कहके पहले तो खुद गलती करते हो और फिर खुद ही नाराज हो जाते हो। ये जो तुम मुंह फुलाकर बैठे हो ना, ऐसे रूठने का हक सिर्फ मुझे। क्यों? क्यों? सोचो, सोचो। सारी वो थक गया था तो नींद आ गई। अरे यार, तुम थोड़ी देर और नहीं रूठे रह सकते थे? मैं मना रही थी ना तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रूठता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, मान जाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है। सीधा साधा हस्बैंड मिला है ना। सीधा साधा। तुम ना एक नंबर की जलेबी, वो भी एक्स्ट्रा स्वीट चाशनी वाली जलेबी, सेहत के लिए हानिकारक। तुम ना अपने रोमांस में थोड़ा मेथी दाना डाल। हाँ, मुझे लग रहा है यही करना पड़ेगा। इतनी स्वीटनेस ना बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। बहुत अटेंशन मिल रहा है ना, जब नहीं मिलेगा ना तब तो छीन के लूंगी। मेरा हस्बैंड है, मुझे अटेंशन नहीं देगा तो फिर किसे देगा? तुम बड़ी वो नहीं होते जा रही हो। हाँ तो तुम कब वो नहीं? आज तो अलग ही मूड में लग रही हो तुम। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, अभी क्या खबरदार होशियार भाई भाभी, मैं आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को माँ बुला रही। क्या वो भाई, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? लगता है अक्षु को कहीं और ही लेके जाना पड़ेगा मेरी हनीमून पे, नहीं तो दिन में ये नील और रात में मेरी नींद हमारे बीच में आती ही रहेंगी।
प्लीज प्लीज जल्दी से बैठ जाओ, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। अरे भगवान क्या हो गया तुझे, तो बंद क्यों नहीं रही है? महादेव के भक्त बोल रहे, तुम जानती हो ना, महादेव जितने उत्तम योगी होने के लिए जाने जाते थे उतने ही सर्वोत्तम पति होने के लिए भी जाने जाते हैं। इसीलिए तो सती ने इतनी तपस्या की थी उन्हें पाने के लिए, और मैं उनका भक्त पूजा में साधु प्यार में मस्त। अभी हटो, मुझे तैयार है, हटो। आहटे बिछड़े सांसों की है, यादें तेरी बंद आँखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे, ओ मोरे सैया सैया।
तुम आज रात मुझे डिनर डेट पर लेकर जाओगे? अभी चलो। अभी डिनर सुबह सुबह। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें काम पर जाना है और मुझे भी। रात को करेंगे ना डेट, कैंडल लाइट डिनर, फिर उसके बाद तब की तब देख लेंगे। प्रॉमिस, सिर्फ तुम, सिर्फ मैं, हम दोनों। हाँ, सिर्फ हम। ये रिश्ता क्या है?